जानकारी सामने आ रही है लगातार, हालांकि सूत्रों के हवाले से, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि अभी और भी सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं गुड़ा के खिलाफ। अभी जो है संकट के बादल उनके ऊपर से छटे नहीं है। जी देखिए, 20 मिनट बाकी है अभी विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने में। 2 बजे की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद में जो खबरें आएगी वो हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ यहां पर जो निष्कासन प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, उनकी सदस्यता निष्कासित हो सकती है। यानी कि जिस तरीके से देखिए 2 बजे यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी और 4 बजे विधानसभा कार्य समिति की बैठक यहाँ पर अंदर होगी, जिसमें हो सकता है कि इसी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाए। लेकिन सियासत यहाँ पर गर्म है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री 2:30 बजे बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी कि राजस्थान की जो लाल डायरी है इस पर सियासत अब गर्म होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, सियासत लाल होती दिखाई दे रही है। जिसके बाद अब गजेंद्र सिंह शेखावत 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजस्थान की सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे लाल डायरी को लेकर। जिस तरीके से आज राजस्थान की सियासत गर्माई है, विधानसभा में लाल डायरी लहराते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जिसके बाद में मार्शल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था और जिसके बाद में वे लगातार मीडिया के कैमरे के सामने आए और उन्होंने यही कहा है कि लाल डायरी में बहुत सारे राज है, बहुत सारे सच छुपे हुए हैं, जिसको लेकर वे लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे। कांग्रेस से निष्कासन की खबरें उनके आ रही है, लेकिन उनकी सदस्यता भी अब आज जा सकती है संभवतः, ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही है। लेकिन देखिए सियासत राजस्थान की जरूर गर्मा गई है और बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है। जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव अभी फिलहाल नजदीक है, 2 से 3 महीने के बाद में राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सियासत गर्माई है बीजेपी इसको पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के साथ साथ जो दूसरे दल है, आरएलपी है या दूसरे बसपा है या दूसरे और भी जो दल है, बीजेपी तो जरूर भुनाने की कोशिश यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से लाल डायरी पर पूरी तरीके से यहां पर आज विधानसभा में हंगामा हुआ है और इसी को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर बोल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ को हमने सुना है, सतीश पूनिया को हमने सुना है, नारायण बेलीवाल को हमने सुना है, तो निश्चित तौर पर सरकार पर जो हमलावर है वो यहाँ पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ देर में स्थिति साफ होगी जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, क्योंकि हंगामा यहाँ पर बरपा है और इस हंगामे के बाद में आखिरकार किस तरह से अब क्या खबर निकल कर आती है कुछ देर के बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद में राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल हो गई है। हालांकि उन्हें देखिए जब उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर विधानसभा के सदन में बयान दिया था और उसके बाद में उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा था, लेकिन वे फिर भी हमलावर लगातार बोलते गए थे। आज के दिन यहां पर लगातार हमलावर बोल रहे थे सरकार के खिलाफ और जिसके बाद में वे जिस तरीके से लगातार हमलावर हो रहे थे और उसके बाद अब उन्हें कांग्रेस की जो सदस्यता है वो भी उन्हें गंवानी पड़ी है। लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो भी कहीं ना कहीं निष्कासित हो सकती है, तो कुछ देर बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल कुछ देर बाद आशीष स्थिति क्लियर होगी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठते नजर आते हैं क्योंकि विधानसभा में जब उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें मालूम था कि उन पर इस तरीके की कोई कार्रवाई हो सकती है। जब जो है मंत्री जो पद से उन्हें हटाया गया और उसके बाद भी उन्हें मालूम क्योंकि लगातार जो है वो आवाज उठाते नजर आ रहे थे सरकार के खिलाफ। अब ऐसे में आगे क्या कुछ उन्होंने विकल्प अपना सोच रखा है, क्योंकि उन्हें ये मालूम होगा कि अगर वो सरकार के खिलाफ इस तरीके से आवाज लगातार बुलंद करते नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो आगे क्या विकल्प उनका नजर आता है, आगे क्या रास्ता वो चुनने जा रहे हैं जैसे कि वो अपनी आवाज और बुलंद करेंगे और जैसा कि वो कह रहे हैं कि लगातार प्रदेश की जो महिलाएं हैं बहने हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते ही रहेंगे। देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे महिलाओं की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे मेरा मंत्री पद चल जाए चाहे और कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन वे महिलाओं के लिए निश्चित तौर पर लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि लाल डायरी का सच अभी बाहर आना बाकी है, अभी तो पिक्चर यहाँ पर शुरू हुई है, पूरा ट्रेलर यहाँ पर शुरू हुआ है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो हो सकता है कि भविष्य में
राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के सहारे ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़े, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा यहाँ पर जिस तरीके से लाल डायरी एक बड़ा यहाँ पर जो मुद्दा है वो यहाँ पर छिड़ गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हो सकता है कि राजेंद्र गुड़ा इस लाल डायरी के सहारे ही विधानसभा चुनाव है वो लड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे। उदयपुर वाटी से वो विधायक है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार वे सरकार के खिलाफ हमलावर बोल रहे थे, ये ऐसी पहली बार नहीं है जब वे सरकार के खिलाफ हमलावर बोल रहे थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई बयान ऐसे बयान दिए थे जिस पर लगातार जो सरकार है उसको पूरी तरीके से लगातार परेशान करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ठीक है, तो कुछ ही मिनटों का और इंतजार और उसके बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है वो फिर से शुरू होगी और क्या तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे हम दर्शकों को भी। आशीष।